इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गया पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर दो अपराध कर्मी को 4 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। जी आपको बता दें कि इनके पास से आर्म्स की भी गिरफ्तारी हुई है। गया पुलिस द्वारा अवैध शराब के सेवन, निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन, शराब तस्करों, शराब व्यवसायियों, शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाया गया और इस दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गया अधिकारी इस मामले को लेकर। गया पुलिस गंभीर मामले में जो वांछित तथा फरार अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में दिनांक 10 तारीख के देर रात्रि में एक व्यक्ति की जो हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुफस्सिल थाना कांड संख्या 178/23 दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी उसमें की गई थी। पुनः उसमें एक अन्य अपराध कर्मी जिसका नाम है नरेंद्र यादव उर्फ नागेंद्र यादव, उसकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि सिंधुगढ़ थाना मोहनपुर का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से 1,59,000 रुपये नगद, एक आईफोन और ATM इत्यादि बरामद किया गया है। इस मामले में SIT का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें 3 अपराधकर्मियों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। अन्य जो भी इसमें फरार अपराधकर्मी है उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अपने इस दौरान छापेमारी लगातार जारी थी, जिस दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई और इस दौरान ये सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि गया पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिस दौरान 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान मौके से 4 लीटर शराब के साथ एक आर्म्स भी मौके से बरामद हुई है। तो बता दें आपको कि लगातार गया पुलिस इस मामले को लेकर छापेमारी कर रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि अवैध शराब का कारोबार जो है वो लगातार फल फूल रहा था, जिसकी जानकारी गया पुलिस को मिली और इसके बाद सूचना मिलते ही गया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर ये सफलता पाई है। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहें NBC 24 के साथ।